नकली नोटों नो कारोबार भरूच में सौथी वधु जोवा मळतो होय छे। बंगाल में नकली नोटों नु नेटवर्क चाले छे, परंतु आ नकली नोटों नी हेराफेरी नु नवु सरनामु हवे आणंद सुधी पहोंच्यु छे। गईकाले पोलीसे बे शख्सो नी धरपकड़ करी। चालो जोईए पूरी कहानी, कोण छे नकली नोटों ना असली खिलाड़ी। नकली नोटों नो कारोबार, बे शख्सो नी धरपकड़। आणंद शहर नी घटना। आणंद शहर में गई काले नकली नोटों नो जत्थो झड़पायो। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ बन्ने शख्सो शहर में नकली नोटो घुसाड़वा मांगता हता। बन्ने शख्सो देशना दुश्मन छे, पोताना ज घरे नकली नोटो छापी बजार में वटावता हता। क्यांथी झड़पाया आरोपी, केवी रीते झड़पाया आरोपी? आणंद शहर में राजा शिवालय रोड नजीक बाइक पर पसार थता बे शख्सों ने गत रात्रि ना सुमारे आणंद नी लोकल क्राइम ब्रांचे बनावटी चलनी नोटो साथे झड़पी पाड़ी। तेओ पासे थी लैपटॉप, प्रिंटर, रूपया 100, 50 अने 5 रूपयाना दरनी बनावटी चलनी नोटो कब्जे करी वधु तपास शुरू करी छे। बन्ने शख्सो पहला नानी नोट वटावी रोकड़ी करवा मांगता हता, परंतु पोलीसे आ बन्ने आरोपी ने पहले थी झड़पी लीधा छे। कौन छे आरोपी? पोलीस ने केवी रीते जाण थई? लोकल क्राइम ब्रांच ना पीएसआई एनडी नकुम ने गत रात्रि ना सुमारे मळेली बातमी ना आधारे आणंद शहर मा राजा शिवालय रोड पर वॉच गोठवी हती। ते दरम्यान पार्थ हसमुखभाई पटेल अने खेड़ासा गामनो प्रवीण गोहिल बाइक पर आवता पोलीसे तेओने आंतरी तेओनी तलाशी लेता। तेओनी पासेथी जुदा जुदा दरना भारतीय चलननी बनावटी नोटो मळी आवता पोलीसे पार्थ पटेलना घरमां छापो मारता लैपटॉप अने प्रिंटर पर मळी आव्युं छे। आरोपी पासेथी शुं शुं मळी आव्युं? पोलीसे तेओ पासेथी 100ना दरनी 14 नोटो, 50ना दरनी 2 नोटो, 5ना दरनी 351 चलनी नोटो, 10 रूपियाना दरनी 8 चलनी नोटो, 20 रूपियानी 2 बनावटी चलनी नोटो कब्जे करी हती। पकड़ायेला आरोपीओनी पूछपरछ करता तेओ लैपटॉपनी मददथी कलर प्रिंटर पर जुदा जुदा दरनी बनावटी चलनी नोटो बनावीने बजारमां साची नोटो तरीके चलावी जुदी जुदी वस्तुओनी खरीदी करता हता, जेथी पोलीसे लैपटॉप, प्रिंटर अने बनावटी चलनी नोटो कब्जे लई वधु तपास शुरू करी छे। પાર્થ પટેલ તથા પ્રવીણભાઈ મનસુખભાઈ મનુભાઈ ગોહિલ નામ છે બીજાનું, અને આ લોકોને પાસેથી મળેલી નોટો બાદ એમને વિશેષ પૂછપરછ કરતા તે પોતાના ઘરે લેપટોપ અને પ્રિન્ટરથી 100, 50, 5ના દરની અલગ અલગ નોટો પ્રિન્ટર દ્વારા છાપતા હતા તેવું મળી આવેલ છે, અને તેને અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે। હાલ પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। ઝડપાયેલ આરોપીઓનો ઇતિહાસ કેવો છે? અગાઉ આવી રીતે કોઈ નકલી નોટોના કારોબારમાં ઝડપાયા છે કે નહીં તેની પણ તપાસ થઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ।